दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नए साल पर यानी नव वर्ष पर माता रानी जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं हर साल अपने महायोग टीवी के चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, यह माता रानी के छपे सिक्के के ऊपर है। नए साल पर खासकर अगर आपके पास भी यह सिक्का है तो समझो साक्षात माँ भवानी का आपके सर पर हाथ है। अब आपका भाग्य ऐसा चमकेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। आप यदि वैष्णो देवी जाते हैं या दीपावली या फिर नवरात्रों में माता रानी के 26 सिक्के लेकर जरूर आते हैं, खासकर दीपावली पर आवश्यक खिलाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां से जरूर मिलते हैं ये सिक्के, या 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जिसके ऊपर कभी कभी माता रानी जरूर छुपी होती है। तो अगर ऐसे सिक्के नए साल पर अगर आपके पास में है तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी है माँ की आकृति वाला सिक्का है तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। यह नया साल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। यदि आपके पास में माता रानी का सिक्का है तो इसे जागृत कैसे करना है और कहां रखना है, सारी जानकारी हम वीडियो में बताएंगे। मतलब इस सिक्के से आप नए साल पर हो जाएंगे धनी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्त में तथा नए साल पर, जीवन की शुरुआत पर, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। माता रानी के सिक्के लक्ष्मी माँ के सिक्के का किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है, चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास माता रानी के पुराने सिक्के नहीं है तो दोस्तों, आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो मान जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसका लाइव चमत्कार आज महायोग टीवी चैनल के समय आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो मान जी की अगर एक प्रकार के हम बोल सकते हैं छवि छपी है, या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपी है, माता लक्ष्मी की छवि है, देवी देवताओं की छवि है, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी का स्वरूप छपा है, देखा क्या करते हैं, घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं, तो उसका प्रयोग भी किसी भी दौरान आप अगर आपके पास में सिक्के हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये कुबेर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को महायोग टीवी फ्री आपको जानकारी हम प्रदान करते हैं कि ओर से इस शुभ अवसर पर अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं दोस्तों। और हां, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि को भी हमें जरूर बताइए, जिससे हम राशि के अनुसार आपको कुछ ऐसा उपाय, कुछ ऐसी अचूक उपाय बता सके जिससे आपके जीवन में खुशहाली है, आप धन से मालामाल हो जाए। तो इसके लिए आप अपनी राशि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें कि जागृत अवस्था या शुभ पर्व कहा जाता है, क्योंकि शुभ समय में देवी देवता भी पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए आवश्यक पदार्थ हैं। भिखारी बनकर कभी जानवर ए दिया किसी साधारण मनुष्य का रूप लेकर धरती पर ईश्वर जरूर आते हैं। देखिए, जिस दिन यदि कोई शुभ अवसर पड़ा है, अगर कोई व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए या आप जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हैं उनका ध्यान करते हुए अगर 1 घंटा किसी भी मंदिर में अगर माँ का ध्यान करते हुए या अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति 1 घंटा रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के 1 जन्म का पाप मिट जाता है। दोस्तों, एक खास बात की इस वर्ष जो नया साल आने वाला है वह बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो नए साल में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नए साल के दिन, खासकर नए साल के शुभ मुहूर्त पर माता रानी को गुड़हल के फूल, अर्थात दोस्तों जो गुड़हल का पुष्प आता है जिसे हम हिबिस्कुस बोलते हैं, इसका गजरा बना करके माता रानी को पहना देना, नए साल पर माता लक्ष्मी को पहना देना या फिर भेंट कर देना, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं माता रानी को नए साल के पहले ही दिन अगर माता रानी को गुड़हल के पुष्प का गजरा बनाकर के माता को भेंट करते हैं, तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए
सब कुछ अपना निछावर कर देती है, जैसे कि धन ऐश्वर्य सुख शांति माता सब कुछ निछावर कर देती है। मैं आप लोगों को बोलता हूं, टीवी हमारा चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं ताकि आप सब लोग नए साल के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नए साल के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े हैं जिन्हें पूरा टाइम शायद नए साल पर ना मिल पाए, क्योंकि नए साल पर बहुत कम होता है। मान लीजिए यदि आप गजरा बनाकर के माता को चढ़ाएंगे तो आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन को गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है। नए साल पर यदि आपने माता को गजरा अर्पित कर दिया या किसी भी 9 देवियों में से किसी भी माता को गजरा अर्पित कर दिया, आपका भाग्य ऐसा उदय होगा कि आप उसी दिन से करोड़पति हो जाएंगे। तो माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, मन को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णो मां जी का या फिर लक्ष्मी मां जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नए साल में इस पर्व से आप जो है दोस्तों इस पर्व से उसे सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागृत के अर्थात दोस्तों बिना शक्ति पाठ किए हुए कोई भी आप चीजों को लेते हैं आपको लाभ नहीं देते। छोटे से उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो दोस्तों ऐसी मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। उसे मूर्ति की पूजा करने से हमें धन ऐश्वर्य सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, बस वीडियो में अंत तक बन रहे। दोस्तों, आपको महायोग फ्री में प्रत्येक जानकारी प्राप्त करता है, इसलिए आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके लिए हम कितनी ज्ञानवर्धक जानकारी लाते हैं जो कि हम पैसों के माध्यम से भी लोगों को बता सकते हैं, पर हमारा संकल्प है कि हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंचे और निःशुल्क पहुंची, यानी कि किसी को इसका एक भी ना देना पड़े। इसलिए दोस्तों आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं। देखिए, जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि मैं, तो वह जागृत होती है। इस प्रकार यह वैष्णो मां जी के सिक्के आप सभी लोगों के पास में है। यह अभी बहुत कुछ वर्ष पूर्व बहुत चले हैं, तो अगर आपके पास में है लेकिन अगर आप इसको जगह करके नहीं रखे हैं तो दो ही आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। दोस्तों, ले इस वीडियो में जानते हैं ये सिक्का किस प्रकार से जागृत होगा। इसको जागृत करने का आसान तरीका, तीन तरीका बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है यह वीडियो कोई जल नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना, और यह सिक्का अगर आपके पास में रह जाएगा तो महंगे आपको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। दुकान धंधे की अगर बात करें तो आपकी इतनी कहीं जाए तरक्की होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए, तो वैष्णो मां जी का सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी मां जी का सिक्का है या फिर कोई ऐसी देवी देवता का सिक्का है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसे नए साल के प्रथम दिन को ही जब आप घर में विशेष पूजा पाठ करें तब आप एक थाली में यह सिक्का रखें। यही दूध अक्षत तथा होली और 5 रंग की मेवा से इसका अभिषेक करें तथा गंगा जल से अभिषेक करें। अगर आपको पता नहीं है यह उपाय तो आप नए साल के बाद में भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आप कॉपी पेन पर लिखकर रखो ही, छोटी सी पूजा के प्रभाव से यह सिक्का ने जागृत हो जाता है। फिर आप जो है इस सिक्के का प्रयोग धन आकर्षण में कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं। नए साल के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब यह चमत्कारिक सिक्का, यह प्रथम तरीके से आप जो है इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका सुनिए, तो इस चमत्कारी सिक्के को जगाने के लिए दूसरा प्रयोग है, इस सिक्के को तुलसी की झाड़ के नीचे में नया साल आने से ठीक एक दिन पहले ही आपको मिट्टी में दबा करके रखना है और इसे 1 जनवरी नए साल के दिन निकाल लेना है। आपको बता दें, पूरे दिन में तुलसी की झाड़ के नीचे समस्त एवं हरि समेत अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, घंटे में जो है तुलसी की झाड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नए साल के समय देवी देवताओं की संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है,
तो खासकर पेड़ पौधे, वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहायचारी शक्तियां हैं, जैसे कि तुलसी माता को ले लीजिए, तो ये सब जागृत अवस्था में होती है, किसी जागृत हो जाते हैं। दूसरा तरीका, आप जो है तुलसी की झाड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। तीसरा तरीका सुनिए, जिससे अगर नए साल के दिन में भी अगर आपको समय ना मिले तो नए साल के या अगले दिन यानी जनवरी में किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस साल देना है, ये जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन सा है? वह है नियम का वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती है, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप है, जितने भी माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ है, सबकी जितनी भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां जो है नियम के वृक्ष पर वास करती है। दोस्तों, माता शीतला का भी स्थान नियम के वृक्ष में माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात मानव दुर्गा के स्वरूप है। तो नए साल के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णो माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उसे सिक्के को आपको रख करके जाना है और नियम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना, ऐसे नहीं दबाना, बस नियम वृक्ष से प्रार्थना करनी है, क्योंकि नियम वृक्ष में माता नवदुर्गा का वास होता है। तो ये प्रार्थना करनी है कि है नवदुर्गा माता, इस सिक्के को आप जागृत करें, मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है आप जो है 4 से 5 अंगुल के नीचे नीम वृक्ष की झाड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। नए साल के ठीक एक दिन पहले दबा दें और 24 घंटे तक मिल पा रहा तो वीडियो को और फिर से बाद में देखना। आप नए साल के जनवरी के महीने में किसी भी दिन यह प्रयोग कर सकते हैं। तो नए साल पर रखने के बाद बाकी आप जो है ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नए साल से लेकर कुछ लंबे दिनों तक रखते हैं, जमीन में काटते हैं यानी नियम वृक्ष के नीचे और फिर निकाल करके लाते हैं, तो यह और भी ज्यादा प्रभावशील हो जाते हैं। आप नया साल समाप्त होने के बाद भी यह उपाय बीच में कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आपसे एक अनुरोध और किया था कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या फिर आप अपना नाम और जरूर बताएं और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। नए साल के बाद इन सिक्कों का किस प्रकार से प्रयोग करना है वह ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि यह सीक्रेट जागृत हो गए, लेकिन अगर आप उनके प्रयोग विधि नहीं जानेंगे तो आपको कैसे लाभ मिलेगा? ये सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका प्रयोग आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में लिए जानते हैं? दोस्तों, ये जानकारी बताने से पहले, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी चाहते कि माता रानी नए साल के शुभ अवसर पर आपके घर में आए, आपके घर की सभी मनोकामनाओं, सभी सदस्यों की मनोकामना को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका स्वागत है, माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में नव वर्ष पर जरूर जाती हैं। आप मानो या ना मानो, जो लोग अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं तो उन्हें भगवान जरूर आशीर्वाद देने आते हैं। तो जानते हैं नए साल के बाद इन सिक्कों का प्रयोग कैसे करना है? तो आप इसे लॉकेट के भांति हक लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णो जी के सिक्के हैं, चाहे माता लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराना कोई सिक्का है, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखें। जो सिद्ध करके रखें है तो इस सिक्के को लॉकेट की भांति आपको हक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इस लॉकेट के भांति रोक लगा करके आपको पहनाना है। दोस्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, महंगे रन से भी ज्यादा यह आपको फायदा देगा, मित्र के भांति हर कदम या आपका मार्गदर्शन करेगा, अर्थात ऊर्जा रूप में यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृति चीज है, हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देती है। दोस्तों, अपने कई लोगों से यह सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रात और रात अचानक उनकी किस्मत बदल गई या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, तो ऐसा होता है। यह जो बोल सकते हैं जागृति चीज व्यक्ति के जीवन को बदल करके रखने में सक्षम होती है। दूसरा, दुकान कारोबार स्थान में यह पैसों के साथ में अगर खासकर नए साल पर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आपकी दुकान है वहां पर सिक्का रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को अन्य जैसे आप पैसा रखते हैं सिक्के के साथ में रखते हैं तो यह सिद्ध हो जाते हैं, स्वयं जागृत होते हैं। जिस प्रकार चुंबक है
यह लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस प्रकार अगर आप इस दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो यह जितने भी ग्राहक हैं उन्हें आकर्षित करते हैं और यह लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते तो इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा आध्यात्म मन्नत होती है। तो इसके बाद इस धन पेटी और पर्स में रखते हैं तो जब तक यह सिक्का आपके पर्स में रहेगा, धन पेटी में रहेगा, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगी। इसके बाद घर के सभी लोग, जहां पर सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, उसे स्थान पर फ्रेम बनवा करके अगर घर में यह सिक्के रखे जाएं जहां पर सभी लोग, जैसे कि हाल है तो हाल में घर के सभी लोग बैठते हैं, जैसे कि लिविंग रूम है तो ऐसे स्थान में फ्रेम बनवा करके यह सिक्के रखे जाए तो ये घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं सभी लोगों की किस्मत चमका देगा। सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसी चमकेगी नए साल पर। कौन कौन माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहता है तो नए साल पर कमेंट बॉक्स में लिखिए, माता लक्ष्मी इस नव वर्ष पर आप हमारे घर में जरूर पधारें। माता लक्ष्मी आपका स्वागत है, हमारे घर में एक लाइक जरूर करें।